ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द डिफरेंशिएशन, दैट इज द इनफिनाइट सीरीज। हम लोग को यहाँ पे इनफिनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पे करने सीखेंगे। और यहाँ पे इनफिनाइट सीरीज में होगा क्या, सबसे पहले है कि सीरीज जो होगा, सीरीज को पता होगा बाय एडिंग द टर्म ऑफ सीक्वेंस इज नॉट एट सीरीज। अगर सीक्वेंस के टर्म को ऐड करेंगे तो हम लोग उसको सीरीज बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इनफिनाइट सीरीज का मतलब क्या हुआ, इनफिनाइट सीरीज का मतलब देखिए आप, जैसे ये दिया हुआ, जैसे सपोज ये दिया हुआ है वन, सॉरी ये एक्स से लेते हैं, एक्स प्लस एक्स ये टू दी पावर करके लेते हैं, तो ये जो है अगर इन्फिनाइट टाइम हो, ये हम लोग इन्फिनाइट सीरीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में है जैसे साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स अप टू क्या इन्फिनाइट, ये इन्फिनाइट सीरीज है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो होता है इन्फिनाइट सीरीज होगा, जैसे कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ये सारा जो है इन्फिनाइट सीरीज है। तो आपको इन्फिनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, सबसे पहला जो इन्फिनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन में आपको सबसे पहला स्टेप्स जो होगा, हम लोग जो y लेते हैं, जो y लेंगे, उसके बाद बाकी जितना भी टर्म्स हुआ है, जो भी टर्म्स जो बचा हुआ है उसको उसको हम लोग कोई दूसरा टर्म्स हमको इन्वॉल्व कर लेंगे और उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के थ्रू से आपको समझाना चाहते हैं, उसके बाद आपको समझ में ये आएगा, वैसे आपको वैसे समझ में ये नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए और इसको समझाते हैं। प्रूव दैट इफ y इक्वल्स टू, इफ y इक्वल्स टू दिया हुआ है आप x, x टू दी पावर x, x टू दी पावर x अप टू इन्फिनाइट टाइम, ये प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है इसमें, प्रूव दैट इसमें प्रूव क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जो होगा डिफ्रेंशिएशन जो इसका होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जो होगा वो क्या होगा, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू वन माइनस वाई लॉग एक्स, वन माइनस वाई लॉग एक्स ये होगा इसका, ठीक है। आप इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए इसको, ठीक है। आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके चार मार्क्स के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इन्फिनाइट इन्फिनाइट सीरीज वाला, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले हम लोग इसको ले लेते हैं, लेट वाई इक्वल्स टू, लेट वाई इक्वल्स टू ले लेते हैं एक्स, एक्स टू दी पावर एक्स, एक्स टू दी पावर एक्स, एक्स टू दी पावर एफ अप टू इन्फिनिटी टाइम। बाकी जो x बचा हुआ उसको हम लोग y ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग जो बाकी y जो है उसको हम लोग y ले लेते हैं ये वाला टर्म्स, ठीक है, क्योंकि ये कुछ मगर ये सारे टर्म्स को हटा लेंगे तो कुछ में इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसको हम लोग y ले लेते हैं, तो अगर y लेंगे क्योंकि आप एक स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, वी नो दैट कि हम लोग जो टर्म्स को हटा रहे हैं उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। वी नो दैट एन इन्फिनाइट सीरीज, एन इन्फिनाइट सीरीज, an infinite series, infinite series is not affected, is not affected, is not affected, not affected, affected by the exclusion, exclusion का मतलब होता है हटाना, ठीक है, exclusion of a single term, of a single term। अगर हम लोग सिंगल टर्म को अगर हटा दें तो इसमें कोई परेशानी इसमें नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको लिख देते हैं क्या, y इक्वल्स टू x टू दी पावर y, ठीक है। अब इसको हम लोग लॉग लेते हैं, अब इसको हम लोग लेते हैं लॉग, तो क्या लेते हैं इसका, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड हम लोग लॉग लेते हैं, तो अगर लॉग लेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा ये बताइए, लॉग y हो जाएगा इधर, लॉग वाई हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा आपका, वाई आगे आ जाएगा तो वाई इंटू लॉग एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम आपको एक थ्योरी बताए थे, आपको एक थ्योरी नहीं वो आपको बताए थे हम, कि अगर जब भी आपको डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन में देखा जाता है कि आपका जो कौन सा टर्म्स ज़्यादा बार आया है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा टर्म ज़्यादा आया है, वाई टर्म्स ज़्यादा आया है, ठीक है। तो इसको हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन तो इसमें आसानी से होगा, या तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में भी करेंगे फिर भी आ जाएगा, लेकिन आप वाई के रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं इसको। तो हम लोग सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में करके ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा ये डी लॉग y बाय डी वाई इंटू होगा क्या डी वाई बाय डी एक्स, और अगला स्टेप में होगा क्या y बाहर आ जाएगा तो y होगा ये होगा डी लॉग x और बाय क्या होगा डी एक्स, अब प्लस क्या होगा लॉग x और ये होगा डी वाई बाय डी एक्स, ओके। सो ये यहाँ पे आ जाएगा log y का क्या आ जाएगा 1 बाई वाई, ये आ जाएगा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, log x का क्या होगा 1 बाई एक्स, तो ये क्या होगा y बाई एक्स और log x हो जाएगा, ये रहा log x और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है।
अब डी वाई बाई डी एक्स को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, जैसे इसको शिफ्ट करेंगे तो दोनों में कॉमन आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या डी वाई बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा क्या वन बाई वाई माइनस क्या आ जाएगा लॉग एक्स, और ये अब आ जाएगा क्या वाई बाई एक्स। अब इसको एलसीएम लीजिए, देखिए एलसीएम लेके क्या आता है, आई थिंक जो है एलसीएम लेके हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या आता है, ये प्रूफ आता है कि वाई स्क्वायर आता है कि नहीं, ठीक है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन इसको हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा क्या डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा क्या वन इंटू वाई लॉग एक्स, ठीक है ये आ जाएगा वन इंटू वाई लॉग एक्स बाई क्या होगा वाई, और इधर क्या है वाई बाई एक्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या एक्स इंटू y माइनस लॉग एक्स, ये जो है प्रूफ हो गया ये, ठीक है ये आपका क्वेश्चन जो है यही प्रूफ करना था x इंटू वाई लॉग एक्स, यस। सो ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन आपका। तो इस तरह करके आपको इन्फिनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन को हम लोगों को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू जो है देख लीजिए इसको, y इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर टू बता रहे हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर टू है, ये है सॉरी एक्सरसाइज का बताते, वो तो एग्जांपल का क्वेश्चन था ही, हम एक्सरसाइज का एक नंबर बताया हुआ है, एक y इक्वल्स टू, एक y इक्वल्स टू, y इक्वल्स टू क्या है साइन एक्स, साइन एक्स, और ये साइन एक्स टू डी, ये अप टू इनफिनाइट टाइम है, ठीक है। अगर ऐसा है तो प्रूफ करना है क्या, प्रूफ दैट, प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, प्रूफ दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा वन सॉरी वाई स्क्वायर कॉड एक्स, वाई स्क्वायर कॉड एक्स, और ये आ जाएगा क्या वाई स्क्वायर कॉड एक्स आ जाएगा, और वन माइनस वाई लॉग साइन एक्स, वन माइनस वाई लॉग साइन एक्स, ठीक है ये प्रूव करना है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं वैसे ही जैसे हम लोग का स्टेप था, वो सबसे पहले हम लोग जो है वाई लेते हैं, यहाँ जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं, और ये वाला तो लिखना ही पड़ेगा आपको, वाई इक्वल्स टू क्या है साइन एक्स, और ये है आपका फिर से साइन एक्स, फिर ये साइन एक्स अब तो इनफिनाइट टाइम, फिर इसको अगर हटा लेंगे यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स टू दी पावर क्या आ जाएगा ये वाई हो जाएगा। आप टेकिंग लॉग बोथ साइड करते हैं, अगर लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लॉग लेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हो जाएगा ये टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा कि क्या आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट में आ जाएगा ये लॉग, लॉग आ जाएगा इधर आपका, ठीक है लॉग वाई आ जाएगा ये, और जो पावर आएगा वो पावर आगे आ जाएगा तो वाई हो जाएगा, और ये आ जाएगा लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब इसको यू इंटू वी में इसको तोड़ लीजिए आप, तो क्या होगा जैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे यू इंटू वी में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी लॉग वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू होगा वाई, लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी लॉग साइन एक्स होगा बाय डी साइन एक्स, सो यहाँ पे होगा डी साइन एक्स बाई क्या होगा साइन एक्स सॉरी डी एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे लॉग वाई को तोड़ते हैं, लॉग वाई को क्या होगा वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये वैल्यू जो होगा लॉग साइन एक्स का होगा वन बाई साइन एक्स, तो वन बाई साइन एक्स हो जाएगा, या साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और ये होगा लॉग, लॉग साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको हम लोग आर एच एस शिफ्ट करते हैं, ठीक है ये वाला जो पार्ट होगा उसको हम लोग आर एच एस शिफ्ट करेंगे, ये पार्ट को हम लोग इसको आर एच इसको एल एच एस में जाए इसको इधर ले आते हैं, ठीक है एल एच एस में ले आते हैं, यहाँ पे आ जाएगा क्या डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा वन बाई वाई, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग साइन एक्स, ठीक है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स ये आ जाएगा, ये कॉस बाई साइन क्या होगा कॉट होगा, तो y इंटू क्या होगा cot x। अब इसको डिफ्रेंशिएशन अब उसको एलसीएम ले लीजिए आप, तो अगर जैसे ही आप इसको एलसीएम देते हैं तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स,
और ये आ जाएगा क्या, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई माइनस वाई लॉग साइन एक्स डिवाइडेड बाई वाई इंटू वाई कॉट एक्स। और जैसे इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, वाई स्क्वायर कॉट एक्स आ जाएगा और ये जो है आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आपको जो है ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो आप इसको देख लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे प्रूफ हो गया इसका। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करके आपको ये सब वाला टर्म्स को आपको कंप्लीट करना और बनाना है आपको, ताकि आपको जो है इनफाइनाइट वाला, जैसे यहाँ पे हम साइन वाला पार्ट दिए तो आपको क्या कर सकते हैं, कॉस कॉस और कॉस ले सकते हैं, टेन 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 ले सकते हैं और कॉर्ड कॉर्ड करके ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में डाला हुआ है, उसको आपको खुद से करना है। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं, एक कुछ क्वेश्चन इसमें डाल देते हैं इसमें, ताकि आप जो है आप इसको बना लें, उसको प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, ये काफ़ी है, आप एक क्लास में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। जैसे जो होगा इसमें क्या है, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, साइन एक्स का बताएं, कॉस एक्स टू दी पावर कॉस एक्स टू दी पावर कॉस एक्स अप टू इनफिनिटी। ठीक है, पहला ये इसको बनाइएगा, वाई इक्वल्स टू देते हैं टेन एक्स, टेन एक्स टू दी पावर टेन एक्स, टेन एक्स टू दी पावर टेन एक्स अप टू इनफिनिटी टाइम। इसको बनाना लेना बना लेना आपको, वाई इक्वल्स टू क्या है सेक एक्स, फिर सेक एक्स और फिर ये सेक एक्स अप टू इनफिनिटी। तीन क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, आपको तीन क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है, तो आप तीन क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन जो है एक रूट वाला पार्ट बताते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपको, एक रूट वाला बताते हैं। रूट वाला में एक क्वेश्चन है, वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर टू, इफ वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स अप टू कहाँ तक दिया हुआ, इन्फिनाइट टाइम दिया हुआ। ठीक है, तो इन्फिनाइट टाइम दिया हुआ, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो वैसे ही हम लोग करेंगे, और सॉरी प्रूफ करना है इसमें क्या, प्रूफ दैट इसमें प्रूफ क्या करना है, dy by dx equals to प्रूफ करना है, 1 by 2y minus 1। ठीक है, 1 by 2y minus 1 ये प्रूफ करना है। तो अब देखते हैं, फिर वैसे ही बना लेते हैं इसको। सबसे पहले सॉल्यूशन जो दिया हुआ उसको लिखते हैं हम लोग, y इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स अप टू इनफिनिटी टाइम। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, बाकी टर्म को हम लोग y मान लेते हैं, यहाँ हो जाएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस y। ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं, इसको हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, क्या होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट क्या होगा खत्म हो जाएगा यहाँ पे, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये तो ये आ जाएगा आपका कितना, वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। इसको आप जो है डिफरेंशिएशन कर लीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में ही वाई के कर लेते हैं, इजी से आ जाएगा ये, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लेते हैं, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा ये डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा ये डी वाई बाई डी वाई, क्योंकि ये क्योंकि इसमें वाई वाले टर्म ज़्यादा था, इसलिए इजी से बन जाता है, ये टू वाई हो गया, ये और ये हो जाएगा क्या डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या वन हो जाएगा। इसको इधर कर लीजिए आप, तो इसको इधर करेंगे क्या होगा, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा टू वाई माइनस वन, इसको आप पलटा दीजिए, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा वन बाई टू वाई माइनस वन। ओके, तो ये देखिए प्रूव हो गया। एक और लास्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं, ताकि रूट वाला आपका रूट वाला पार्ट आपका अच्छा से हो सके। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है, जैसे साइन एक्स करके लेना है, कॉस एक्स करके लेना है, टेन एक्स का लेना है, सब रूट एक रूट वाला पार्ट बता देते हैं। एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है, वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर है ये रूट अंडर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स अप टू इनफिनिटी टाइम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और उसके बाद प्रूफ करना है। आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं करना, ये जितना क्वेश्चन आपको बता दिए दैट इज सफिशिएंट। ये आपको उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, आपको प्रूफ कर लेना है इसको साइन एक्स, और आपको ये समझना है कि कैसे आपका ये क्वेश्चन बनता है, साइन एक्स
और ये है वन माइनस टू वाई, वन माइनस टू वाई। चलिए एक क्वेश्चन इसको प्रूव करके हम बताते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद जो है आपका जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो आपका होमवर्क रहेगा। तो पहले इसको वाई मान लेते हैं जो दिया हुआ है, सब लोग बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है y इक्वल टू रूट अंडर x प्लस क्या होगा, रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x, ये आ जाएगा आपका अप टू इनफिनिट टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको क्या करना है, आपको ये लिख लेना है y इक्वल टू क्या है, रूट अंडर cos x प्लस क्या होगा, ये y हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और जब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये रूट खत्म होगा क्या होगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा क्या, कॉस एक्स, ये आएगा कॉस एक्स प्लस वाई। अब वाई ज़्यादा है, इसलिए इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो जैसे वाई स्क्वायर का इसका डिफ्रेंशिएशन होगा क्या होगा, डी वाई स्क्वायर बाय डी वाई, और ये हो जाएगा क्या, डी कॉस एक्स बाय डी एक्स बाय, फिर क्या होगा अगला ऑप्शन में, डी एक्स बाय डी वाई। ठीक है, अब प्लस होगा डी वाई बाय डी वाई, तो इसका हो जाएगा क्या, टू वाई, और ये हो जाएगा कॉस का माइनस साइन एक्स, और ये होगा क्या, डी एक्स बाय डी वाई, और ये वाला पार्ट हो जाएगा वन। इसको इधर ले आइए आप, अगर इसको ले आएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, ये वन माइनस, इसको सॉरी इसको इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स बाय डी वाई, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस टू वाई। अब इसको साइन एक्स को नीचे कर लेते हैं, तो डी एक्स बाय डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस टू वाई। हमको चाहिए कि इसका वैल्यू डी वाई बाय डी एक्स को उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, सो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, साइन एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस टू वाई, ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट सारा क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनाना, अगर नहीं बने तो फिर तो है आपका कमेंट सेक्शन यूज करना है, और ये जो है बना लेना सारा, आई थिंक ये बन जाएगा आपका, ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्लास हम लोग दूसरा डिफरेंशिएशन सीखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास।